हमीरपुर नगर में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अब शहर के वार्ड नंबर 11 जो सड़का से पक्काप्रो बाईपास तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ट्रकों व ट्रैक्टरों की आवाजाही बंद रहेगी। उपायुक्त हमीरपुर के आदेशों के बाद दोनों ही स्थानों पर लोक निर्माण विभाग ने इसकी सूचना पट्टिकाएं भी लगा दी हैं। गौरतलब है कि काफी समय से हमीरपुर ट्रैफिक की समस्या से लोगों को परेशानी हो रही थी, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर में वाहनों की आवाजाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारी वाहन की आवाजाही की समय सारणी दे दी है। वहीं दुसड़का के स्थानीय लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और कहा कि इस निर्णय से जनता को फायदा पहुंचेगा और शहर में जाम लगने के आसार कम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सूचना लगने के बाद भी कई भारी वाहन शहर की तरफ जा रहे हैं, जिसको रोकने के लिए प्रशासन को पुलिस या होमगार्ड के कर्मचारी को तैनात करना चाहिए, ताकि इसका पालन सही ढंग से हो सके। तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक की समस्या से हल किया जाए। तो ऊपर के मौजूदा का बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे कि मतलब ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो पाए। यहाँ थोड़ा सा अगर ट्रैफिक की समस्या के लिए कोई पुलिस वाला खड़ा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, जिससे और भी हल हो जाए। से निवेदन है कि एक ट्रैफिक वाला भी यहाँ इसे चौक पर खड़ा किया जाए, ताकि जो है इसकी समस्या जो ट्रैफिक वो ना बने। उपायुक्त महोदय ने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे ट्रैफिक जो है वो भी कम होगा और क्या कहते हैं इससे लोगों को भी परेशानी कम होगी। लेकिन अभी भी कुछ ट्रक और ट्रैक्टर जो है वो बाज़ार की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कोई ट्रैफिक वाला जो है वो यहाँ पे तैनात किया जाए, जो उनको बताए कि 8 बजे से शाम 8 बजे तक आप ट्रक या ट्रैक्टर ना ले जाए, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी ना हो। बस मुझे इतना ही होता है।